जय हिंद दोस्तों। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ बिहार पुलिस कांस्टेबल यानी कि सिपाही भर्ती 2020-21 सिलेबस के बारे में, और साथ ही मैं आपको इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में भी पूरी जानकारी देने वाला हूँ। और मैं आपको बता दूँ कि अभी जानकारी आप एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस के बारे में जानोगे, ये जानकारी पूरी तरीके से ऑफिशियल होगी, यानी कि आप इस जानकारी के माध्यम से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन बिना किसी हिचकिचाहट के कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि रिसेंटली सीएसबीसी यानी कि बिहार पुलिस ने आपकी 8415 पदों पर यह भर्ती निकाली है, जिसमें कि कैंडिडेट यहां पर 13 नवंबर 2020 से लेकर 14 दिसंबर 2020 तक अप्लाई कर पाएंगे। और मैंने इसके एलिजिबिलिटी के बारे में ऑलरेडी वीडियो बना दी है, जो कि आप यहां पर चैनल के ऊपर देख सकते हो। अगर आप इसके बारे में डिटेल्ड में जानना चाहते हो जानकारी, तो आप ये वीडियो वॉच कर सकते हो। इस वीडियो का डायरेक्ट लिंक आपको इस वीडियो के अंदर भी मिल जाएगा, जो कि अभी आप वॉच कर रहे हो। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं आपके एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस के बारे में। तो ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, इसी ऑफिशियल नोटिफिकेशन से मैं आपको कंप्लीट जानकारी प्रोवाइड कराने वाला हूं। तो बेसिकली यहां पर दोस्तों जो आपका सिलेक्शन किया जाएगा वो आपका रिटन टेस्ट यानी कि लिखित परीक्षा और फिजिकल इफिशेंसी टेस्ट एंड फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के द्वारा किया जाएगा। जो लोग एग्जाम क्लियर कर पाएंगे वही पीएसटी एंड पीईटी टेस्ट को दे पाएंगे। तो यहां पर जो आपके एग्ज़ाम का लेवल रहने वाला है क्वेश्चन का, वो आपका 12th लेवल का रहेगा, और एग्ज़ाम के अंदर आपके 100 क्वेश्चन होने वाले हैं, जिसके लिए आपको 100 मार्क्स दिए जाएंगे। और एग्ज़ाम करने के लिए यहाँ पर आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। ये जानकारी यहाँ पर इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अंदर हिंदी के अंदर है, और कहीं पर कुछ जानकारी मैंसन है। मैं आपको एक एक करके थोड़ा क्रम वाइज जानकारी एक अन्य जगह से आपको समझाता हूँ। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें जो आपका सिलेक्शन किया जाएगा वो आपका रिटन टेस्ट और फिजिकल इफिशेंसी टेस्ट एंड फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट के द्वारा किया जाएगा। और जो भी बात की थी मैंने आपको एग्जाम पैटर्न की, तो इसमें मैंने आपको बताया कि इसमें जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा वो आपका 100 मार्क्स के लिए रहेगा, जिसके लिए आपको एक क्वेश्चन के लिए एक नंबर दिया जाएगा। और टोटल यहाँ पर आपको समय 120 मिनट यानी कि 2 घंटे का दिया जाएगा। फिर जो आपके क्वेश्चन का टाइप रहेगा वो आपका मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, जिसको आप हिंदी में बहुविकल्पीय बोलते हो, यानी कि आपके एग्जाम के अंदर ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें कि आपको एक क्वेश्चन के लिए 4 विकल्प दिए जाएंगे, उनमें से एक विकल्प सही होगा। और जैसे कि आपने केबीसी के अंदर देखा होगा सेम तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। फिर यहाँ पर दोस्तों इसमें जो आपके क्वालिफाइंग मार्क्स रहेगा वो आपका 30% होने वाला है, यानी कि आपको एग्जाम के अंदर कम से कम 30% मार्क्स लाने जरूरी है अगर आप फिजिकल इफिशेंसी टेस्ट के लिए क्वालिफाई होना चाहते हो। और यहाँ पर सबसे जरूरी बात है कि आपके निगेटिव मार्किंग के बारे में, क्योंकि आपका सवाल यही होगा कि क्या इसके अंदर निगेटिव मार्किंग है या फिर नहीं है। तो मैं आपको बता दूँ कि इसके अंदर निगेटिव मार्किंग होने वाली है, जो कि आपकी 0.20 की होने वाली है। और आपको जो आप एक तुक्का मारते हो उसको मारते हुए यहाँ पर थोड़ी सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि अगर निगेटिव मार्किंग न होती तो आप अपने तुक्का मारने की जो आपके अंदर कला है उस अद्भुत कला का प्रदर्शन खुल करके कर सकते थे। बट अभी इसके अंदर निगेटिव मार्किंग है, इसलिए मैं आपको कहूँगा कि अपना हाथ थोड़ा हल्का रखें इस तुक्का मारने की अद्भुत कला को प्रदर्शन करने में, क्योंकि अगर आप यहाँ पर ऐसा करोगे, आपने बिना देखे बिना समझे तुक्का मारने की कला का प्रदर्शन किया, तो ऐसे में आप उन क्वेश्चन को भी या फिर उन क्वेश्चन से कमाए हुए नंबर को भी खो दोगे जो कि आपने मेहनत से कमाई है और जिनके ऊपर आपको पूरा भरोसा है कि हाँ ये आंसर तो पक्का सही होगा। पर फिर भी यहाँ पर मैं आपको बेनिफिट ऑफ डाउट ये देना चाहूँगा या फिर ये जानकारी सजेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप किसी 2 विकल्प में कंफ्यूज हो तो वहाँ पर आप तुक्का लगा सकते हो, बट तब भी आपको ये ध्यान देना है कि हाँ इन दोनों विकल्प में से तो एक पक्का ही होने वाला है, ऐसे में आप इस कला का प्रदर्शन कर सकते हो। और ये मैं थोड़ा सार्केस्टिक वे में बोल रहा हूँ, तो इसलिए आप इसको ज़्यादा सीरियस मत लीजिएगा। फिर यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं आपके एग्जाम सिलेबस के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका एग्जाम सिलेबस रहेगा, बेसिकली अगर बात करें तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अंदर इन्होंने आपको बोला है कि आप कहाँ से डिटेल्ड ऑफिशियल नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं। मैं यहाँ पर अभी आपको इसी ऑफिशियल नोटिफिकेशन से रीड करके एक जानकारी दिखाता हूँ, जहाँ पर आपको बोला है कि आप कहाँ से इसका डिटेल्ड एग्जामिनेशन सिलेबस देख सकते हो। आपको यहाँ पर 4 पॉइंट में पाठ्यक्रम देखने को मिल पा रहा है। आपको बोला है कि लिखित प्रतियोगिता परीक्षा का विस्तृत पाठ्यक्रम पर्षद की वेबसाइट पर सिलेबस सीरीज के अधीन सिलेबस 4 एडवर्टाइजमेंट नंबर 2/2019 टैब के अंतर्गत विज्ञापन संख्या 2/2019 के लिए प्रकाशित है। यानी कि जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 2/2019 के अंदर सिलेबस दिया है वही सिलेबस इस भर्ती के ऊपर भी जो अभी रिसेंट में निकाली है 5/2020 एडवर्टाइजमेंट नाम से, इसके ऊपर लागू होने वाला है। तो ये
आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है, उसमें हमने यहाँ पर सिलेबस को ओपन किया, और सिलेबस को ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको इसका जो पीडीएफ है वो ओपन करना होगा। मैंने यहाँ पर ऑलरेडी ये पीडीएफ ओपन कर लिया, आप देख सकते हो विज्ञापन संख्या 2/2019 दी जा रही है, और यहाँ पर ये आपका पाठ्यक्रम है। इस पीडीएफ के अंदर आपको डिटेल्ड में एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में हिंदी और इंग्लिश में दोनों तरीके से जानकारी दी है। बट ये जानकारी का जो पीडीएफ है वो तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अटैच करने ही वाला हूँ, बट मैं यहाँ से भी आपको थोड़ा शॉर्ट में एग्जाम सिलेबस के बारे में जानकारी दे देता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों अभी जो मैंने आपको पीडीएफ दिखाया सिलेबस का, उसमें आपको सभी सब्जेक्ट मेंशन करके सभी टॉपिक्स के बारे में जानकारी दी है। बट यहां पर अभी जो मैं आपको सिलेबस बताने वाला हूं या फिर उसके टॉपिक्स बताने वाला हूं, ये वो टॉपिक्स है जिनमें कि एग्जाम के अंदर फोकस रखा जाता है। यानी कि अगर आपका हिंदी सब्जेक्ट है और हिंदी के जो क्वेश्चन होंगे एग्जाम के, वो मेनली इन टॉपिक्स के अंदर से ही तैयार किए जाते हैं। उसमें अगर आप सिलेबस में जाओगे तो आपको बहुत सारे टॉपिक्स देखने को मिलेंगे, तो ऐसे में आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि हम किस टॉपिक्स के ऊपर ज्यादा ध्यान दें या फिर किस टॉपिक्स को ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर करें। तो यहां पर बेसिकली जो हिंदी के आपके मेन टॉपिक्स है उनके ऊपर जो फोकस रहेगा वह है आपका सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, सेंटेंस एरर, सेंटेंस करेक्शन, फिल इन द ब्लैंक्स, कॉम्प्रिहेंशन एंड क्लोज टेस्ट ईटीसी। फिर जो आपका इंग्लिश है, इंग्लिश में भी सेम ही है। अगर आप हिंदी का दे रहे हो तो अगर आप इनको हिंदी में ट्रांसलेट करते हो तो ये हिंदी के हो जाते हैं, और अगर आप इनको इंग्लिश के अंदर करते हो तो यही सेम इंग्लिश के हो जाते हैं। इसमें भी सेम ही है, सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, सेंटेंस एरर, सेंटेंस करेक्शन, फिल इन द ब्लैंक्स और क्वेश्चन फोकस्ड ऑन इंग्लिश ग्रामर। इसमें आपका जो फोकस रहेगा इंग्लिश के क्वेश्चन का वो इंग्लिश ग्रामर के ऊपर होने वाला है। मैथ की अगर बात करें तो फंडामेंटल, अर्थमेटिकल ऑपरेशंस, परसेंटेजेस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, एवरेज, डिस्काउंट पार्टनरशिप, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, मेंसुरेशन, इनके ऊपर आपका फोकस होने वाला है। फिर जो जनरल स्टडीज, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटिक्स है, इसमें आपके क्वेश्चंस ऑफ सोशल स्टडी विल इंक्लूड इंडियन हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक्स एस्पेक्ट्स, फ्रीडम मूवमेंट, मेजर फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर एंड नेशनल रिसोर्स एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, पंचायती राज, कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड फाइव ईयर्स प्लान, जनरल नॉलेज ऑफ जियोग्राफिकल एंड पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ बिहार, ये आपका टॉपिक्स होने वाले हैं। फिर आपका जनरल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, तो इसमें आपको जो फोकस रहेगा वह क्वेश्चन ऑफ जनरल साइंस विल इंक्लूड टू टेस्ट नॉलेज ऑफ मैटर्स ऑफ एवरीडे ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपीरियंस इन दियर साइंटिफिक एस्पेक्ट। यानी कि सब्जेक्ट के अंदर आपके आसपास क्या घट रहा है, आप अपने साइंटिफिक एस्पेक्ट के अंदर उसको कैसे देखते हो, वो चीज़ परखने के लिए कुछ क्वेश्चन इसके अंदर तैयार किए जाएंगे। साथ ही यहाँ पर आपको बोला कि एज मे एक्सपेक्टेड ऑफ एनी एजुकेटेड पर्सन हु डिडेंट स्टडी साइंस एज ए सब्जेक्ट। यानी कि अगर आपने साइंस एज ए सब्जेक्ट नहीं भी पढ़ा तो तब भी आप कैसे अपने आसपास की घटनाओं को देखते हैं, उसके तहत कुछ क्वेश्चन इसके अंदर आने वाले हैं। और फोकस जो रहेगा इस सब्जेक्ट में वो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के ऊपर होने वाला है, जो कि आपका 12th स्टैंडर्ड का रहेगा, और इनसे भी क्वेश्चन आपके इंक्लूड किए जाएंगे इस सब्जेक्ट के अंदर। अब यहाँ पर दोस्तों आपने सिलेबस के बारे में थोड़ा शॉर्ट में जान लिया है, अगर आप डिटेल्ड में जानना चाहते हैं तो मैंने आपको यहाँ पर ये ऑफिशियल पीडीएफ दिखा दिया है, और आपको इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं देने भी वाला हूँ, ताकि आप यहाँ पर डिटेल्ड में सभी सब्जेक्ट के टॉपिक्स अच्छे से चेक कर सके। बट जो फोकस रहेगा वो उन टॉपिक्स के ऊपर रहेगा जो मैं आपको बता चुका हूँ। अब यहाँ पर बात करते हैं आपके फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के बारे में, क्योंकि जो लोग एग्जाम क्लियर करेंगे वही लोग इसको दे पाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग जान लीजिए कि जो आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है, ये आपका सिलेक्शन का सेकंड फेज है। फर्स्ट फेज आपका रिटन एग्जाम है जिसका एग्जाम पैटर्न और सिलेबस आप जान चुके हो, और सेकंड फेज है आपका शारीरिक योग्यता दक्षता परीक्षा। इसमें जान लीजिए कि किस प्रकार से ये होने वाली है। इसके लिए आपको कुल 100 नंबर दिए जाएंगे, यानी कि 100 मार्क्स दिए जाएंगे। दौड़ के लिए यहां पर आपको मैक्सिमम 50 नंबर दिए जाएंगे। सभी कोटि के पुरुषों के लिए यहां पर आपकी 1.6 किलोमीटर यानी कि 1600 मीटर की दौड़ होने वाली है, जिसके लिए उनको 6 मिनट का समय दिया जाएगा। अगर आप 5 मिनट से कम में इसको पूरी कर लेते हो तो आपको 50 नंबर पूरे के पूरे मिल जाएंगे, बट अगर आप 5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकंड तक इसको पूरा करते हो तो आपको 40 नंबर मिलेंगे, और अगर आप 5 मिनट 20 सेकंड से अधिक एवं 5 मिनट 40 सेकंड तक इसको पूरा करते हो तो यहां पर आपको 30 नंबर दिए जाएंगे। अगर आप 5 मिनट 40 सेकंड से अधिक एवं 6 मिनट तक इसको पूरा करते हो, यानी कि 5:40 से लेकर 6 मिनट के बीच में करते हो, तो आपको 20 अंक दिए जाएंगे।
6 मिनट से अधिक समय लेने वाले पुरुष अभ्यर्थी को असफल घोषित किया जाएगा। यानी कि जो कैंडिडेट 6 मिनट में भी पूरी नहीं कर सकते तो आपको एक्स्ट्रा नंबर तो छोड़ो बल्कि आप क्वालिफाई भी नहीं हो पाओगे। फिर यहाँ पर दोस्तों नीचे जानकारी देख लीजिए, फीमेल कैंडिडेट की ऊपर जो जानकारी देखी जाती है आपकी मेल की और नीचे है फीमेल की, ये इसमें सभी कैटेगरी की फीमेल ऐड हुई है और इसमें जो इनकी दौड़ रहेगी वो आपकी 1 किलोमीटर की होने वाली है, जिसके लिए उनको जो एक नॉर्मल टाइम है वो 5 मिनट का दिया जाएगा। और इसमें भी सेम तरीके से अगर आप ये दौड़ फीमेल कैंडिडेट हो 4 मिनट से कम समय में कर लेते हो तो आपको 50 नंबर दिए जाएंगे। अगर आप ये दौड़ 4 मिनट से 4 मिनट से 4 मिनट 20 सेकंड तक करते हो, इस बीच में करते हो, तो आपको 40 नंबर दिए जाएंगे। और अगर आप ये दौड़ 40 मिनट 20 सेकंड से अधिक एवं 4 मिनट 40 सेकंड तक के इसके बीच में करते हो तो आपको 30 नंबर दिए जाएंगे। और सेम तरीके से 4 मिनट 40 सेकंड से अधिक एवं 5 मिनट के बीच में अगर आप रहते हो, आपका टाइमिंग आता है, तो आपको 20 नंबर दिए जाएंगे। यहाँ पर भी जो 5 मिनट है वो मैक्सिमम है, अगर इससे ज़्यादा टाइम लोगे तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। फिर आता है आपका गोला फैंक, जिसके लिए आपको मैक्सिमम 25 नंबर दिए जा सकते हैं। इसमें सभी कैटेगरी के जो मेल कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर 16 पाउंड का गोला फेंकना होगा, जो कि कम से कम आपको 16 फीट फेंकना है। आप 16 फीट से 17 फीट तक अगर आप फेंकते हो तो आपको 9 नंबर मिलेंगे, 17 फीट से 18 फीट तक अगर आप उसको फेंक देते हो तो आपको 13 नंबर मिलेंगे, और 18 फीट से 19 फीट तक अगर आप फेंकते हो तो उसको 17 नंबर मिलेंगे। 19 से 20 फीट फेंकने वाले कैंडिडेट को 21 नंबर दिए जाएंगे, और जो 20 फीट से ज़्यादा फेंकेगा, चाहे वो कितना भी ज़्यादा हो, हल्का सा भी ज़्यादा क्यों ना हो, आपको 25 नंबर यहाँ पर पूरे के पूरे मिल जाएंगे। फिर आती है आपकी जो 16 फीट से कम फेंकने वाले पुरुष, तो जो 16 फीट से कम फेंकेंगे उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इसी प्रकार से नीचे है आपकी फीमेल कैंडिडेट के लिए, यहाँ पर इनको ये 12 पाउंड का गोला फेंकना है, जो कि कम से कम 12 फीट फेंकना होगा। 12 फीट से 13 फीट तक आपको 9 नंबर मिलेंगे, 13 से 14 फीट तक 13, 14 से 15 17, 15 से 16 फीट तक फेंकने पर 21, और 16 फीट से ज़्यादा फेंकने पर 25 के 25 नंबर पूरे मिल जाएंगे। अगर आप 12 फीट नहीं फेंक पाते तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। फिर आती है आपकी ऊंची कूद, जिसमें कि आपको मैक्सिमम 25 नंबर मिल सकते हैं, और ये मेल कैंडिडेट के लिए सभी कैटेगरी के जो रखी गई है। यहाँ पर न्यूनतम ऊंचाई आपकी 4 फीट है, कम से कम 4 फीट तो आपको कूदना ही है। अगर आप 4 फीट कूदते हो तो आपको 13 नंबर मिलेंगे नॉर्मली, बट अगर आप 4 फीट 4 इंच कूदते हो तो आपको 17 नंबर मिलेंगे, और 4 फीट 8 इंच कूदने वाले कैंडिडेट को 21, और जो 5 फीट कूद जाते हैं उनको 25 नंबर दिए जाएंगे। और यहाँ पर 4 फीट से कम कूदने वाले कैंडिडेट को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। फिर यहाँ पर दोस्तों नीचे है आपका फीमेल कैंडिडेट के लिए, इसमें 3 फीट आपकी मिनिमम जो कूद की ऊंचाई रखी है वो है, और 3 फीट पर आपको कूदने पर 13 अंक मिलेंगे, 3 फीट 4 इंच पर 17, 3 फीट 8 इंच पर 21, और 4 फीट कूदने पर आपको 25 नंबर मिल जाएंगे। अगर आप 3 फीट नहीं कूद पाते तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। नियत समय पुरुषों के लिए 6 मिनट और महिलाओं के लिए 5 मिनट है। मैं दौड़ पूरी करने वाले अभ्यर्थी को गोला फेंक अथवा ऊंची कूद स्पर्धाओं में न्यूनतम निश्चित मानदंड पूरा नहीं करने पर असफल घोषित किया जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप दिए गए टाइम के अंदर जो आपका गोला फेंक है या फिर आपका जो दौड़ है वो पूरी नहीं कर पाते तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद आपकी एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, जिसके अकॉर्डिंग आपको अगले राउंड के लिए क्वालिफाई किया जाएगा। ये आपने यहाँ पर जो आपकी जानकारी है उसके बारे में जाना। अभी आप यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी आपकी जो हाइट है उसके बारे में देख लीजिए। इसमें हाइट मेल कैंडिडेट के लिए जनरल बीसी के लिए 165 सेंटीमीटर रखी है, ईबीसी एससी एसटी के लिए 160 सेंटीमीटर रखी है, और फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 155 सेंटीमीटर रखी गई है, चाहे वो कैंडिडेट किसी भी कैटेगरी के हो। चेस्ट की अगर बात करें तो मेल कैंडिडेट में जनरल बीसी ईबीसी के लिए आपकी चेस्ट बिना फुला 81 सेंटीमीटर और फुला करके 86 सेंटीमीटर हो जानी चाहिए, जिसमें कि 5 सेंटीमीटर का फुलाव जरूरी है। एससी एसटी के लिए 79 चेस्ट रखी है बिना फुलाए और फुला करके 84 हो जानी चाहिए, यहाँ पर भी 5 सेंटीमीटर का फुलाव जरूरी है, और फीमेल के लिए ये जानकारी एप्लीकेबल नहीं होती। रनिंग के बारे में आपको जानकारी दे चुका हूँ, यहाँ पर आपका लॉन्ग जंप भी होगा, जिसमें कि 4 फीट और 3 फीट क्रम से मैं आपको जानकारी ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो दोस्तों जो लोग एग्जाम क्लियर कर पाएंगे वही इसको दे पाएंगे, और एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए कम से कम क्वालिफाई होने के लिए ही 30% मार्क्स तो आने ही चाहिए। उसके बाद मेरिट डिपेंड करेगी, और फिर उसके बाद आपका फिजिकल इफिशेंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। तो दोस्तों ये थी आपकी बिहार पुलिस कांस्टेबल
जो कि भर्ती आपकी निकली है 8415 पदों पर, उसके सिलेबस के बारे में एंड एग्जाम पैटर्न के बारे में पूरी जानकारी। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ उस वीडियो को लाइक शेयर और साथ ही साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब कर ले, और सब्सक्राइब करने के बाद बैल के आइकन को दबा दे ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।